तो दोस्तों आज हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी। बारिश के मौसम में कद्दू की सब्जी जो है ना रामबाण है, आप इसे जरूर बनाइए। तो इसके लिए हमने लिए सौंफ है, कलौंजी है, मेथी के दाने, कुछ राई के दाने और सूखी हुई लाल मिर्च। कद्दू हमने लिए तकरीबन 250 ग्राम, जिनको इस तरह से क्यूब में हमने काट लिया है। और अब इसमें पड़ेगा थोड़ा सा आलू, तो आलू को भी हमने क्यूब शेप में काट लिया और ये भी 250 ग्राम के करीब है। तो 500 ग्राम हो गई सब्जियां, बाकी पंचफोड़न मसाला जो कि हमने आपको शुरुआत में दिखाया, इनको छौंकने की तैयारी करते हैं। तो सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि सरसों का तेल लेना है आपको। सरसों के तेल में जो कद्दू की सब्जी बनती है ना, मस्त मजेदार। तेल गर्म हो चुका है, ज्यादा बातें करते नहीं है, और पंचफोड़न यानी वो जो पांच मसाले हमने आपको शुरुआत में दिखाए थे वो इसमें डाल देते हैं। अब भैया इन मसालों की खुशबू जो अगर आपको लेनी है तो आपको ये सब्जी बनानी पड़ेगी। क्या तो ये खुशबू देते हैं, इसमें सौंफ है, इसमें राई के दाने हैं, इसमें मेथी के दाने हैं, और ये जो भीनी भीनी खुशबू आती है ना सरसों के तेल में गर्म होते वक्त, इसका जायका, इसका स्वाद, इसके दर्शन और इसकी ये आप बोल दो कि इसका टेस्ट ही अलग है। अब हमने इसमें थोड़ी सी हींग ऐड की है। हींग बड़ी जरूरी है क्योंकि आपने आलू डाला है, कद्दू भी डाला है, थोड़ी सी हींग डाल दो, अच्छा टेस्ट निखर के आएगा। तो अब ये सब मसाले जब आपके हल्के से मतलब क्रैकल होने लगे तब आपने इसमें आलू डाल दिया। अब आलू डालना इंपॉर्टेंट इसलिए है इस स्टेज पे क्योंकि हमें आलू को थोड़ा सा पका लेना है। अगर आलू कच्चे रह गए तो कद्दू की सब्जी का मतलब क्या, मजा क्या। और खैर ये इतनी आसान रेसिपी है कि भैया जिसने कभी नहीं बनाया वो भी बनाएगा, अपनी बीवी को खिलाएगा, अपने घर वालों को खिलाएगा। तो हमने कद्दू और आलू दोनों ऐड कर लिए, आलू थोड़े से पके थे उसके बाद हमने कद्दू ऐड किया और उसमें एक टीस्पून हमने सॉल्ट डाल दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया। ये पानी ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा वेजिटेबल का स्टॉक बचा था। कोई बात नहीं, आप नॉर्मल पानी डालो और इसको ढक दो। अब हम सूखे मसाले तैयार कर लेते हैं। तो हमने ली है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जो है धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून अमचूर पाउडर और आधा टीस्पून सौंफ है, ये सौंफ पीसी हुई, और उससे 1/4 चम्मच काला नमक। ये सारे मसाले जो हैं कद्दू की सब्जी को एकदम चटपटा बना देंगे। आपको ना इमली डालने की जरूरत है, ना गुड़ डालने की जरूरत है, कुछ भी नहीं डालना है, बस ये मसाले डाल दो आप। तो हमने देखा कि आलू पक गया है, अब सारे मसाले हमने ऐड कर लिए। अब क्या करना है आपको, मसाले ऐड कर लिए, थोड़ी देर चला लो, 2-3 मिनट पका लो उसको, थोड़ा ढक के पका लो चाहो तो, और आपकी कद्दू की सब्जी तैयार। तो भैया कद्दू की सब्जी बारिश में आप जरूर खाइए, मैं आपको बता रहा हूं। आप ये वीडियो देखे ना देखे, शेयर करे ना करे, सब्सक्राइब मेरे चैनल को करे ना करे, लेकिन आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो आपको अगर सेहत का ध्यान रखना है तो हफ्ते में 2 बार ये कद्दू की सब्जी जरूर बना के खाएं, क्योंकि बाकी सब्जियां जब आप लाते हैं बारिश में तो थोड़ी सी इन्फेक्टेड रहती है, जैसे पत्ते की सब्जी नहीं खानी चाहिए आपको। तो आप कद्दू की सब्जी खाओ, दामू के चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपकी इच्छा है तो, और शेयर करो इस रेसिपी को अगर आपको लगा कि मैंने कुछ अच्छी बात कही है। नमस्कार।